哎呦我的妈！Assalamualaikum, तो कैसे हैं आप सब? इन पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा लोगों ने पिंग पोंग बॉल खेल के थोड़ा झूले लाए हैं। ये मैंने जो है ना, ये 50,000 का मैंने बाला लगाया, मेरे टकले सर पे मैंने 50,000 का बाला लगाया है। क्या है ना, लोग जलते हैं सायदा ठंडी से। ये 50,000 का बाला मैंने लगाया है और ये दो दो घड़ियां मैंने पहनी है। मेरा वक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुछ भी करती हूँ ट्रेंडिंग में आ जाता है। गोलू बेटा सामने आ, इधर आ। तब ये जो मेरा फैशन है ना, वो भी ट्रेंडिंग में आने वाला है, और ये जो मेरा फैशन है वो भी ट्रेंडिंग में आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ वो तो ट्रेंड में आ जाता है। ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है, अभी मैं जा रही हूँ गरीब नवाज के घर, ऐसे ही जा रही हूँ। तो ये भी देखना, कल तक ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा। रिहाना मरियम सब जो है एक ही हाथ में दो दो घड़ी पहनेंगे। मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, तो एक घड़ी जो है वो बंद हो चुका है, दूसरा घड़ी में अच्छा वक्त आए ना आए, इसलिए मैंने दो दो घड़ी पहनी है। और मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने नकली बाल लगाए, टकली हूँ मैं करके मैंने लकी बाल बिठाई दी है, तो आप लोगों को भी मेरी तरह खूबसूरत दिखना है, मेरी तरह रेशमी सिल्की बाल, लंबे लंबे काले घने बाल चाहिए, तो वैस में इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर लोला के पास अपने वो लोला उठाइए और मम्मा मैं सलाम राम के नाम पे अपना दुकान खोल लूं। बेटा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमको ठीक से बोलना नहीं आता है। और ये डायपर मस्त है, ये भी पहन लेना, और बोलने का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमको ढंग से बोलना नहीं आता, मिम्मा करते रहते हो। पहले बोल लो ठीक से, उसके बाद जो है ना वीडियो शूट करना, उनके नाम पे दुकान खोल के कटोरे में भीख मांगो, ठीक है? और ये आप देख सकते हो, मैं दो दो घड़ियाँ जो है रोलेक्स की घड़ी, एक 35 लाख का, एक 40 लाख का है। एक मैंने रिहाना के घर से उठाई हूँ, एक मैं दूसरों को लूट लूट के जो एक घड़ी है वो मैं 35 लाख का ख़रीदी हूँ। तो आप लोगों को भी मेरी तरह अगर ऐसे ही महंगी महंगी दो दो घड़ियाँ पहननी है, ये ट्रेंडिंग में आने वाला है कल, तो आप किसी के घर से उठा सकते हो। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके घर से बहन के नाम से उठा सकते हो, और दूसरी आप लोगों को लूट लूट के ऑनलाइन, जैसे कि मैं अभी कभी आयशा फातिमा बन जाती हूँ, कभी सुजैन बन जाती हूँ, तो बन के लूट के भी आप ये ख़रीद सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को लूट के पैसे कमाना कैसे है वो आप मेरे से सीखिए, मैं आपको बताऊँगी इंस्टाग्राम के रील्स के ज़रिए, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, कि लूट के पैसे कैसे कमाया जाता है। मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती इसमें, हराम की कमाई बहुत है, बस आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी सुजैन बन जाना है, तो कभी आयशा फातिमा बन जाना है, फिर लोगों को लूटना है, कभी रिहाना के पास बहन बन के लूटना है। लूटने का भरपूर आइडिया मेरे पास है। और लोगों का उत्तरण क्या होता है, कभी रिहाना से मांग के कपड़े पहन लेना, कभी मरियम से मांग के कपड़े पहन लेना, मेरी थोड़ा खूबसूरत स्टाइलिश दिखना है। और ये मेरा 4 BHK का है, ये मैंने 1 एकड़ में मेरा जो प्लॉट है ये फैला हुआ है, ये मैंने लूट के जो हराम की कमाई, जो मैं चक चक के ज़रा भी खाना नहीं खाती हूँ, बस चखती हूँ, चक चक के जो 2 किलो और 3 किलो मैं खा जाती हूँ लोगों के दुकानों में जाके, और ख़रीदती बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मेरा जो फिगर है मैंने मेंटेन किया है। और मैंने एक अहम फैसला लिया है दोस्तों, अहम फैसला क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। तो मैंने जो है आज एक अहम फैसला लिया है दोस्तों, अहम फैसला ये है कि मैं जो है अयूब के साथ वापस कभी नहीं जुड़ूंगी, क्योंकि अयूब ने जो है मेरा दिल बहुत दुखाया है, मुझे जो सोशल मीडिया में इस तरह से जलील किया है। शादी का रिश्ता एक पाक रिश्ता होता है, लेकिन मेरा दिल जो है इस तरह से अयूब ने जो है दुखाया है कि मैं अयूब के साथ कभी भी नहीं जुड़ूंगी। हाँ, उसको फाड़े का पति बना के व्यूज़ जब कम हो जाएगा वापस ले सकती हूँ। और मेरा जो लिपस्टिक है वो कैसा लगा दोस्तों, ये कल भी ट्रेंडिंग में आएगा, यू नो ये जो है ये कल भी ट्रेंडिंग में आएगा। और आप लोगों को अगर मेरा जो ये स्टाइल है वो फॉलो करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं जो है बहुत हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, और बिना हैवी मेकअप करके मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ।
आटा मार मार के जो है मैंने ये पैसे कमाए हैं। तो आटा मारने के चक्कर में लोगों ने जो है इसका बहुत वॉलीबॉल खेला है, तो मेरे जो दोनों है ना वो पेट तक झूले ला है। इसके लिए आप जो है ना बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। ये ऐसा मैं अभी इंजेक्शन लगा के उसको ठीक करूँगी। पहले मैं अपने जो है ब्यूटीफुल फेस को जो है इंजेक्शन के थ्रू ठीक करवाने की कोशिश करी डॉक्टर लोला के पास जाके। डॉक्टर लोला को भी मैं आजकल बहुत लूट रही हूँ, बहन बहाना बना के उसको जब अच्छे से मैं लूट लूँगी फिर उसके भी जिम्मे में लात मार दूंगी, जैसे मैंने दूसरों के साथ बहन बना के किया है। और रहा सवाल मेरे फैशन का, तो ये तो ट्रेंडिंग में आ ही जाता है, आप लोगों को क्या ही बोलो, ये भी कल वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। मेरे ये जो दोनों घड़ी है ये भी ट्रेंडिंग में आने वाला है, और ये जो चूड़ियाँ है वो भी ट्रेंडिंग में आने वाला है, क्योंकि सारे सुल्तानी कुछ भी करती है वो तो ट्रेंड में आता ही है। और रहा सवाल आप लोग के व्यूज़ का, व्यूज़ अगर आप लोगों को कमाने हैं तब उधर जा सकते हो, व्यूज़ आप लोग को उधर मिलेगा। और अगर लाइक्स चाहिए तो आप लोग मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि आई लाइक्स मैन। तो अगर आप लोग को लाइक्स चाहिए तो मेरे पास ही मिलेगा लाइक्स, क्योंकि आई लाइक्स मैंस। तो मैं एक मदर्स हूँ और मदर्स होने के नाते मैं सारे मैंस को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी दो मेंस हैं जो कि गर्ल्स की तरह है, जिनके अंदर जो है ना कोई माल मसाला नहीं है। मैंने चूस चूस के अपने जो बेटे जो है दोनों को जो चूस चूस के उनका मेंस पना जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो आई लाइक मेंस और मैं एक मदर्स हूँ, और आप लोगों को अगर लाइक्स चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हो, शर्माइएगा मत। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं शर्माती हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग किया है, बहुत लोगों का, आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत काउंसलिंग की है। और मेरे काउंसलिंग की वजह से जो बच्चे हैं वो पहले तो नाकारे निठल्ले थे, अब तो पूरी तरीके से बर्बाद होके जो है ना तो कोई पागलखाने में बैठा है। तो आप लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो, मैं रात में काउंसलिंग करती हूँ 12-1 बजे के बाद। और मेरे से काउंसलिंग करवाने के लिए आप मेरे बेटे जो है अम्मू को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको पूरा पैकेज जो है बता देगा। मैं एक बार अपने स्टाइल में जो है ना बता देती हूँ, व्यूज़ और लाइक्स वाला है सिखा देंगे, मुजरा कैसे करना है दिखा देंगे। और अगर आप लोगों को मेरा जो है काउंसलिंग चाहिए ओवरनाइट, तो वो भी फुल पैकेज बता देंगे काउंसलिंग का। मेरे काउंसलिंग से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ा है, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच चुका है, और उनका जो है डिवोर्स तक भी बात चला है। बहुत सारे लोग तो देश छोड़ के विदेश भी चले गए हैं, और जिन जिन लोगों का मैंने काउंसलिंग किया है उन लोगों को मैं मुर्दा भी से करार देती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे बेटे को कांटेक्ट करो, मैं आपको फुल नेट काउंसलिंग दूंगी। और एक मिनट, अगर आप लोगों को मेरे पास काउंसलिंग के लिए आना है तो आप लोगों को परफ्यूम मार के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है ना मूत्री हूँ, बहुत वास मारती हूँ। दूसरे का नाला इतना कमज़ोर हो चुका है और इतना बड़ा हो चुका है कि मेरे को जब मूत आती है तो मैं रोक नहीं पाती हूँ, और मैं कपड़ों में ही मूत देती या फिर कहीं बाहर जाती हूँ। तो मैं, आप लोगों को चाहिए तो ये खरीद सकते हो, मैं ये भी इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप लोग आते हो तो ऐसे परफ्यूम लेके आना, क्योंकि मेरे शरीर में जो है ना मूत की बहुत बास आती है, और हराम कमाई खा के मेरा बहुत थोड़ा ऐसा हो गया है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर लोला के पास आजकल जा रही हूँ, डॉक्टर लोला जी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करी रही है, डेंटिंग पेंटिंग का जो है या फिर स्क्रू रेंजर वगैरह से मेरा जो फिगर है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसको मैंने बहन बनाई हूँ आजकल, उसको मैं लूट रही हूँ। तो आप लोगों को किसी को भी जाना है तो अपना दो लोला उठाना, उठा के ओला में बैठ के लोला के पास चले जाना। और मेरा भोसरा बहुत दास, मैं बहुत बदबू मारती, बहुत बास मारती, क्योंकि मैं जो है कपड़े में ही मुँह देती हूँ। तो आते आते जो है स्प्रे लेके आना। अगर आप लोगों को मेरी जो है कंसंट्रेसी की ज़रूरत है तो मैं मदर्स और वुमेंस भी हूँ, और वर्किंग वूमेंस और हाउसवाइफ के लिए जो है मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और मेरे आस पड़ोस के लोग लोग जो है बिरयानी खा खा के मुझे बहुत पद दिया है मेरे मुंह पे, तो मुझे पद मिला है औरतों के हक़ के लिए बोलने का। तो मैं वो भी काम करती हूँ, समाज सेविका हूँ मैं, समाज सेवी से इन द सेंस मैं मर्दों की बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। जो हमारे यहाँ के मर्द हैं जो बाहर मुँह मारने में इंटरेस्ट है, उन समाज के मर्दों को मैं जो है ना सेवा करती हूँ मैं। तो जिन जिन मर्दों को भी सेवा कराने का जो इच्छा है, मैं एक समाज सेविका हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और जो जो औरतें रात को काम वाम करके थक जाती है, मेंस को जो है वो मेंस सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, उन औरतों के हक में मैं बोलती हूँ, उन औरतों का मेहनत जो है मैं करती हूँ रात में। बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को चार्ज मुझे बिल्कुल भी नहीं देना, मैं समाज सेविका हूँ। बस आप लोगों का घर लूटूंगी, मैं बिजनेस लूटूंगी, और दुकान वगैरह होगा, गाड़ी वगैरह, तो वो भी लूट लूंगी। बस आप लोगों को आते आते जो है
एक परफ्यूम लेके आना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बास मारती हूँ। तो अगर किसी औरत को जो है मैं किसी हर औरत के लिए मैं खड़ी होती हूँ, और किसी मर्द को जो है सेवा की ज़रूरत है, तो मुझे से सेविकाओं को जो है आप कांटेक्ट करिए मेरे बेटे के थ्रू। मैं आप लोगों को जो है फुल नाइट जो है आप लोगों की सेवा करने को तैयार हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आप मुझे तो पता ही है कि आप लोग मसाला देखते हो, तो मैंने मसाला दे ही दिया है। तो अगर आप लोगों को और मसाला चाहिए तो मुझे कमेंट करके टॉपिक बताना, और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। और लाइक्स बना है तो मेरे पास आना, मैंने 50,000 में जो है मेरे उजड़े चमन सर में जो है ना गांड का खून लेके भी सेल्फी लगाया, लेकिन क्या है ना, हराम का पैसा हराम ही जाता है, तो मेरे जो है ना उजड़े चमन पे जो है ना बाल नहीं आए हैं। तो अगर आप लोगों को जो है पसंद आया मेरा ये सुंदर खाने रश्मि बाल, मुझे पता है अब ये ट्रेनिंग में जाना वाला है, और बहुत लोग जो है मेरे से जलते हैं, तो आई डोंट केयर बिकॉज आई एम वोपेंस एंड आई लाइक टू एक्सपांड टाइम। तो अगर आप लोगों को मेरे से सुंदर घने बाल चाहिए तो डॉक्टर लोला के पास जा सकते हो, और मैं एक समाज सेविका हूँ। तो जिन जिन लोगों को भी सेवा कराना है तो मेरे बेटे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों की सेवाओं के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।